क्रिकर आई हमने नहीं नहीं ये किट्टा हो गया गाड़ी में एमएलसी साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार आपने बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स की इनॉग्रेशन की ये लोगों की खुशकिस्मती का एक मकाम रखा आपने। इससे पहले विधायक जो हैं वो इस किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पे ना कर सके, इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार के आप कार्य आगे भी लोगों की उम्मीदें बनकर आप रखेंगे? इसमें ऐसा है कि देखो जब जब भी हम यहाँ इस इलाके का हमने टूर किया तो यहाँ की जनता की यही मांग थी कि हमें यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे एरिए हैं जहाँ बिजली थी नहीं और उसके लिए लोग बड़े परेशान थे, कहीं पोल नहीं थे, एलटी लाइन नहीं ठीक थी, तो उसके लिए भी हमने कोशिश की कि आजकल का जो ज़माना है 21वीं सदी जा रही है तो इसमें बिजली का अहम रोल है। इसमें आदमी के पास मोबाइल है तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो बिजली चाहिए, बिजली नहीं है तो मोबाइल कैसे चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देश को हम डिजिटल बनाने जा रहे हैं, जो सरकार है मौजूदा वो तो डिजिटल इंडिया का नारा दे रही है, तो डिजिटल बनाने के लिए हमारे हर कोने कोने में बिजली होनी चाहिए, लेकिन वो बिजली थी नहीं। सरकार की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट को यहाँ पैसे नहीं दिए गए। हमारा जितना भी ये रियासत जम्मू कश्मीर का रूरल एरिया है इसमें हर जगह हमने पाया कि यहाँ बिजली के जो है उसके लिए फंड से ही नहीं है, तो कहाँ से डिपार्टमेंट ये बिजली इम्प्रूवमेंट करता या नए ट्रांसफार्मर क्रिएट करता। इसके लिए हमने ज़रूरी समझा कि आप कैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा ये फ़र्ज है कि मैं एमएलसी होते हुए 37 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होते हुए मैंने एमएलए जैसा काम किया है, लोगों को महसूस नहीं होने दिया। जो ज़रूरी होगा, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी तो उसके लिए हम काम करते रहेंगे, भले ही सरकार काम करे या ना करे। सरकार तो इस वक्त है ही नहीं, किस्तों किस्तों में सरकार हमको मिल रही है, तो चलो दूसरी किस्त आएगी या नहीं आएगी तो गवर्नर राज में भी जो काम हमको करने हैं तो वो हम करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने यहाँ सहयोग किया, आप लोगों ने यहाँ काम किए, तो आइंदा के लिए भी आप अपना